सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंडियन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। दोस्तों, मोबाइल इस्तेमाल करना आज की तारीख में बच्चों का खेल हो चुका है। मतलब बच्चे भी इतनी अच्छी तरीके से मोबाइल को इस्तेमाल कर लेते हैं कि नई नई गेम्स, नई नई ऐप्स, और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ ऐसी ऐप्स और ऐसी कुछ ट्रिक्स वो करके दिखाते हैं कि हमें भी हैरानी हो जाती है कि अच्छा मोबाइल में ये पॉसिबल है या फिर मोबाइल के अंदर इस तरीके की भी एप्लीकेशन जो है होती है। लेकिन क्या सेम चीज़ हमारे सीनियर सिटीजन्स के साथ है, मतलब जो बुज़ुर्ग लोग हैं, क्या उनके साथ भी सेम चीज़ है? क्योंकि दोस्तों कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको एक नॉर्मल कीपैड फ़ोन इस्तेमाल करना भी काफ़ी दिक्कत आती है। मतलब अगर मैं बात करता हूँ एक सिंपल कॉन्टैक्ट को निकाल के उससे डायल करना, या फिर बात करूँ तो बड़े सिंपल सिंपल से फंक्शन जैसे म्यूज़िक सुनना, FM ऑन करना, फ़ोन की टॉर्च को ऑन करना, या फिर लॉक और अनलॉक करने तक की चीज़ों के अंदर मैंने देखा है काफ़ी सारे इंडिया में ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनको दिक्कत आती है। ऐसे में ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाया है उन लोगों के लिए जो कि केयर करते हैं अपने मतलब घर के बुज़ुर्ग लोगों की, और साथ में इसके अंदर एक मैंने ऐसे ऐसे फ़ोन्स को ढूंढ के लाया है जिसके अंदर आप उनके मेडिसिंस के अलर्ट्स आप ले सकते हैं, अलार्म ले सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि आप उनसे थोड़ा सा दूर रहते हैं तो इंस्टेंटली आपको SOS अलर्ट्स उनका मिल सकता है, सिचुएशन की जानकारी आपको मिल सकती है। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे बिल्कुल एंड तक देखिए क्योंकि इसके अंदर एक या दो ऐसे फ़ोन हैं जो कि मुझे काफ़ी पसंद है और उनके अंदर ऐसे फीचर्स हैं जो डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे अगर आप अपने घर के किसी बुज़ुर्ग के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं, किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों पहले फ़ोन की अगर बात करूँ तो ये है सीनियर वर्ल्ड मावल, और ये फ़ोन आपको 2499 रुपये का मिल जाएगा। इस फ़ोन के अंदर आपको 2.2 इंच की स्क्रीन मिलती है और साथ ही आपको इंग्लिश हिंदी का सपोर्ट तो मिलता ही है, साथ ही एक्स्ट्रा एक गुजराती लैंग्वेज का भी सपोर्ट मिलता है। दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको डायलिंग में काफ़ी दिक्कत आती है। इसके अंदर आपको 8 फोटो अलग अलग आप लगा सकते हैं ताकि वो फोटो देखने के रिकॉग्नाइज कर पाएँ और उस फोटो पे क्लिक करके मतलब उस टैब पे क्लिक करके कि एक नंबर दबाने पे ये फ़ोटो आ रही है, दो नंबर दबाने पे ये फ़ोटो आ रही है, तो उसको वो सीधा क्लिक करके वहाँ पे डायल कर सकते हैं। इसके अलावा एडिशनली अगर आप बात करते हो स्पीड डायल का ऑप्शन तो आपको मिलता ही है। इसमें आपको FM और टॉर्च का सपोर्ट मिलेगा, साथ ही अगर आप देखेंगे तो कॉल रिसीव करने का और कॉल करने का अलग से कलर दिया गया है ताकि उस स्पेशल कलर की वजह से आसानी हो जाती है समझने में कि कौन से कॉल कटेगी या कौन से लगेगी। अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर आपको काफ़ी बड़े फॉन्ट देखने को मिलेंगे ताकि अगर थोड़ी सी विजिबिलिटी की दिक्कत आती है तो वो भी इसके अंदर नहीं होगी। कीपैड जो है वो टॉकिंग कीपैड होता है, तो मतलब बटन दबाएंगे तो साथ में वो साउंड करके बताएगा कि कौन सी की दबाई है, तो काफ़ी आसानी रह जाती है। और बैकलिट ये कीबोर्ड है तो रात को भी इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत खास नहीं आती है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों साउंड की तो काफ़ी लाउड एंड क्लियर साउंड है, और रिंगटोन जो है उसकी आवाज़ भी काफ़ी तेज़ है ताकि जो है वो कहीं पर भी अगर फ़ोन रखा हो तो आसानी से उनको पता चल जाए। डेडिकेटेड SOS बटन मिलेगा जिससे कि आप इंस्टेंटली 5 लोगों को SMS भेज सकते हैं, साथ ही फ़ोन के अंदर एक सायरन बजना स्टार्ट हो जाएगा तो किसी भी अगर वो डिफिकल्ट सिचुएशन में है तो जस्ट एक बटन दबाने पे इंस्टेंटली 5 लोगों को मैसेज और सायरन बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये फ़ोन जो है 2499 रुपये के अंदर मिलता है। इस टाइप के फ़ोन के अंदर आप ज़्यादा फीचर्स मतलब अगर आप रैम या प्रोसेसर इन चीज़ों की बात करते हैं तो वो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इसके अंदर जो फीचर आपको मिलेंगे वो सेफ्टी सिक्योरिटी का फीचर और ईजीनेस का होना। तो अगर आपको ये फ़ोन पसंद आता है तो इस फ़ोन के लिए आप जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों बताना चाहूँगा कि आपके अपने चैनल पर चल रहा है गिव अवे जिसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच एक अच्छी क्वालिटी के हेडफोन माइक आप जीत सकते हैं। तो अगर आप प्राइवेसी आपको पसंद है, यूट्यूब के वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं बिना किसी को परेशान किया, गेमिंग आप करना चाहते हैं बिना किसी को मतलब कि आवाज़ या इस तरीके की बातें करे हुए, तो डेफिनेटली आप जीत सकते हैं। 5 हेडफोन जो है जीतने का मौका इसके अंदर है। बड़ा सिंपल सा आपको काम करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है कि जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे उसमें से मैं चूज़ करूँगा और लाइव इसका विनर मतलब आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। और मैं बात करता हूँ नेक्स्ट फ़ोन के बारे में। नेक्स्ट फ़ोन जो है वो है एक आईबॉल का आसान फ़ोन, जिस तरीके से इसका नाम आसान है उस तरीके से इसको यूज़ करना भी काफ़ी आसान होगा। जिसमें फीचर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर आपको मिलेगा 2.31 इंच का डिस्प्ले। डिस्प्ले थोड़ा सा छोटा है, ज़्यादा बड़ा हो सकता था, लेकिन अगर आप फ़ोन की बात करें तो जैसे आप कीपैड दबाते हैं तो फ़ोन काफ़ी बड़ा हो जाता है तो इस्तेमाल में काफ़ी आसानी रहेगी। 1800 mAh के अंदर आपको बैटरी मिलती है, 32 GB तक के मेमोरी कार्ड को ये सपोर्ट करता है। दोस्तों एक ड्यूल सिम फ़ोन है तो आप 2 SIM इसके अंदर लगा सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ साइड में अगर आप इसके देखेंगे तो लॉक के लिए और टॉर्च के लिए एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है, तो जैसे मैंने शुरुआत में बात करी थी तो काफ़ी आसान हो जाएगा एक ही बटन पर टॉर्च को ऑन करना या ऑफ करना, साथ में लॉक या अनलॉक करना। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो डेडिकेटेड आपको FM का बटन मिल जाता है, तो अगर जो है वो पसंद करते हैं म्यूज़िक सुनना तो डेफिनेटली एक बटन दबाते ही वो FM को भी इंजॉय कर सकते हैं।
इसके अंदर भी आपको डेडिकेटेड SOS बटन मिलता है पीछे की तरफ, तो उसको दबाने के बाद मैसेज जो है वो पहुंच जाएगा आपके पास, ताकि आपको इंस्टेंटली उसकी अपडेट मिल सके। दोस्तों, ये फोन जो है 2576 रुपए का आपको मिलेगा। अगर आपको ये फ़ोन ढूंढने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो वो मैं उस चीज़ को आसान कर देता हूँ। मैं जितने भी फ़ोन आपको बता रहा हूँ उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहा हूँ, ताकि अपन पे क्लिक करके रिडायरेक्ट होकर डायरेक्टली वहाँ पे जा सके वेबसाइट के ऊपर और सीधा उसको क्लिक करके खरीद सके। दोस्तों, तीसरे जो मैं फ़ोन की बात कर रहा हूँ वो वन ऑफ द माई फेवरेट फ़ोन है और उसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न भी हैं, तो इस फ़ोन के बारे में डिटेल में देखिएगा, क्योंकि प्राइस जो थोड़ा सा ज़्यादा है, 3000 रुपये के आसपास अगर आपका बजट जाता है तो ये फ़ोन आपको निराश नहीं करेगा। इस फ़ोन का नाम है सीनियर वर्ल्ड ईजी फ़ोन। ये मॉडल का नाम रॉयल मॉडल है और डेफिनेटली एक रॉयल फील भी देता है, क्योंकि क्रेडल चार्जर के साथ आता है। दोस्तों, क्रेडल चार्जर वो होता है जिसके अंदर आपको एक मतलब स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा वायर के साथ, इंस्टेंटली फ़ोन को उसके ऊपर रखिए और वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। 3350 रुपये का ये फ़ोन आपको मिलेगा। काफ़ी प्रीमियम और क्लासी डिज़ाइन इसके अंदर आपको मिलता है। एक फोल्डेबल फ़ोन है दोस्तों, जिसके अंदर आपको M4 T4 की रेटिंग मिलेगी, यानी कि काफ़ी लाउड आपको इसके अंदर साउंड मिलने वाली है, यानी कि जो हेयरिंग एड लगाते हैं उसमें भी कंपैटिबल है। रिंगटोन भी काफ़ी इसके अंदर तेज़ है। इसके अंदर आप मेडिसिन रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं, SOS का सिस्टम आप सेट कर सकते हैं, वो भी कहीं पर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो फिर अगर आप रहते हैं थोड़ा सा दूर तो डेफिनेटली ये फ़ोन आपके काफ़ी काम आ सकता है। इसमें आपको वेलनेस अपडेट भी मिलती रहेगी सिर्फ एक बटन प्रेस करने पर, साथ ही आपको फोटो कॉन्टेक्ट तो मिलते ही हैं। क्रेडल चार्जर के बारे में बता चुका हूँ। ये एक फ़ोन है जिसमें आपको कैमरा भी मिलेगा और फ्लैश भी मिलेगा साथ में। बात करें अगर इसकी रैम की, तो उसके अंदर 32 MB का सपोर्ट मिलता है, साथ ही आपको ब्लूटूथ का भी सपोर्ट मिलेगा। वेट इसका करीब 100 GSM के आसपास, 100 ग्राम के आसपास रहेगा। दोस्तों, इसे कैमरे से तो आप ज़्यादा उम्मीद मत कीजिएगा, लेकिन ये मूवमेंट कैप्चर करने के लिए काफ़ी ठीक है कि आप मूवमेंट तो एटलीस्ट कैप्चर कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ फ़ोन जो मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। अगर आप बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स की, उनको हेल्प करने के लिए काफ़ी अच्छे फ़ोन ये साबित हो सकते हैं और वो काफ़ी ईजी होगा इनको इस्तेमाल करना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।